दशरथ भगत की मांग, पुलिस थानों की भंगार गाड़ियां हटाएं, डंपिंग के लिए आवंटित करें अलग से भूखंड, नहीं रहेगा खतरा। नई मुंबई के पुलिस थानों में जब्त और भंगार बन रही गाड़ियां शहर के सौंदर्य और सुरक्षा दोनों के लिए बड़ा खतरा बन रही हैं। बीजेपी नेता दशरथ भगत ने कहा कि कई गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल रहता है जो ब्लास्ट या आग लगने का कारण बन सकता है। मनपा आयुक्त के साथ अपनी हालिया बैठक में भी उन्होंने इन गाड़ियों को पुलिस थानों से दूर कहीं और शिफ्ट करने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि एक तरफ हम स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ऐसे वाहनों से सुंदरता और सुरक्षा का खतरा पैदा कर रहे हैं जो ठीक नहीं है। हमारे 16 पुलिस स्टेशन है, वहाँ हर पुलिस स्टेशन के सामने जो भंगार गाड़ी वहाँ रखी है, उसके वजह से जो नई मुंबई की शहर सुंदरता में बाधा आ रहा है, तकलीफ आ रहा है, वो अच्छा नहीं दिख रहा है। वो जो सानपाड़ा पुलिस स्टेशन का जो ओपन प्लॉट है, ओपन प्लॉट बिल्कुल प्रदर्शनी भाग में है, जैसे हम हाईवे से पामबी से आते हैं और वहाँ वो प्लॉट ओपन प्लॉट के ऊपर कारपोरेशन उसके ऊपर गाड़ी रखा है, भंगार गाड़ी रखा है, तो वो गाड़ी को हमने उठा के कारपोरेशन में लेके गए थे ताकि हमें ये संदेश देना चाहते थे हम कि ये जगह सही नहीं है और ये भंगार गाड़ी वहाँ रखना भी सही नहीं है। बताना जरूरी है कि बीते साल सानपाड़ा पुलिस थाने द्वारा जब्त इन गाड़ियों में आग लग गई थी। इसके बाद नागरिकों की मांग पर बीजेपी नेता दशरथ भगत ने मनपा तक मोर्चा निकालकर भंगार वाहनों को रहवासी इलाके से दूर खाली भूखंडों पर शिफ्ट करने को कहा था। उन्होंने कहा कि ऐसे वाहनों को सड़कों के किनारे बफर जोन में या पत्थर खदानों की खाली जमीनों पर अथवा डंपिंग ग्राउंड पर शिफ्ट कर देना चाहिए और कर्मचारियों की नियुक्ति कर उसकी देखरेख होनी चाहिए ताकि किसी को नुकसान न होने पाए। जब हम शहर की सुंदरता करना चाहते हैं, स्वच्छ नई मुंबई करना चाहते हैं, तो हर पुलिस स्टेशन के सामने जितने भंगार गाड़ी है वो गाड़ी को जगह दे दो रखने के लिए, हर पुलिस स्टेशन के अलग अलग जगह दे दो, इसीलिए हमने वो आंदोलन किया। इसीलिए मेरी मांग ये थी कि नई मुंबई कॉरपोरेशन और शिड़को ये दोनों ने मिल के उनको जगह उनके वो भंगार गाड़ी रखने के लिए उनको जगह देना चाहिए। लाइट वैसा वो जैसा बफर जोन है वहाँ नो डेवलपमेंट है, वहाँ उनको जगह दीजिए, या क्वारी है वहाँ उनको जगह, जो क्वारी बंद पड़ी हुई है वहाँ जगह दीजिए, या हमारा जो डंपिंग ग्राउंड है वो डंप अपने सील कर लिए है उसके ऊपर उनको जगह दीजिए ताकि शहर की सौंदर्य भी सुंदरता भी अच्छी रहे और पुलिस स्टेशन को जो गाड़ी रखने की जो इंतजाम है वो भी सही रहे, गाड़ी भी सुरक्षित रहे और हमारी शहर की जो सुंदरता है वो भी ठीक ठाक रहे, ये हमारी मांग है उसके अंदर की, ताकि उनको गाड़ी की जगह मिले उनको। गौरतलब है कि मुंबई के 16 पुलिस थानों में ऐसी हजारों गाड़ियां भंगार बनकर पड़ी हैं, इन्हें चोरी अपराध या एक्सीडेंट जैसे मामलों में जब्त किया गया है। कानूनी निपटारे में ज्यादा वक्त लगने से ऐसे वाहन उसके मालिकों तक जल्द वापस नहीं दिए जाते, इसीलिए थानों में पड़े पड़े भंगार बन जाते हैं। देखना होगा कि मनपा इस पर क्या रुख अपनाती है। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।